चप्पलों से परेशान हो और सारे घर में जूते फैले रहते हैं, चप्पलें फैली रहती हैं, रोज का झगड़ा है, तो मैं बताता हूँ शू रैक कैसे बनवाना है। पहला काम क्या करो, अपने घर में जितने शूज हैं, चप्पल है, जितनी आपके पास है, आपकी वाइफ के पास है, वो चेक कर लो। पहले वो लिस्ट बनाओ कितनी चप्पल और कितने जूते आपके पास है। दूसरा काम, जनरली लोग क्या करते हैं, शूरैक जब बनवाते हैं ना, तो ऐसे कुछ भी सामान से, कुछ भी अटम पटम सामान से बनवा लेते हैं। ऐसा मत करो, बाहर के जो फॉयर है, जब आप अपने डिजाइनर के पास जाते हो, फॉयर के डिजाइन के हिसाब से शूरैक को बनवाओ और वो उस थीम में मैच करे। और उसकी जो स्पेस है, जो उसकी शेल्फ है, ऐसे कुछ भी मत बना लेना। बूट रखने हैं तो बूट के हिसाब से बनाओ, चप्पल रखनी है चप्पल के हिसाब से बनाओ, जूते रखने हैं जूते के हिसाब से बनाओ, और जितना ऑर्गेनाइज कर लोगे उतना बेटर होगा। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, स्पोर्ट्स शूज अलग रखो, बूट्स अलग रखो, बीवी के चप्पल अलग रखो, अपनी चप्पलें अलग रखो, ऐसे अलग अलग करके शेल्फिंग कर लो। तीसरा काम, शूज के आसपास हमेशा ना बहुत बदबू रहती है और कहीं ना कहीं बैड स्मेल रहती है, तो एक सेंट रखने का जुगाड़ जरूर बना लेना, या तो सेंट उसके अंदर फिक्स कर लेना। जनरली ना हमारे को बहुत परेशानी होती है शूज पहनते वक्त, बैठने की कोई जगह नहीं होती है, चेयर लगा नहीं पाते हैं, जगह उतनी होती नहीं है। और आप क्या करते हो, छुराक बनाते वक्त, डिजाइन बनाते वक्त भी गलती कर लेते हो, तो हमेशा शूज के साथ बैठने की जगह जरूर बनाओ। एक रैक बना लो, उसके साथ बैठने की जगह बना लो, जिससे कि आप जूते पहन पाओ। जनरली मेंस के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फीमेल तो फिर भी बहुत आसानी से पहन लेती है। और शूज में ना पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, जितने जूते चप्पल आपके घर से बाहर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कोशिश करो कि अपने सारे जूते चप्पल की व्यवस्था घर के बाहर ही बना लो। अब आप मुझे बताओ कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करके उसके आगे की साइंस भी बताऊंगा, तो उस पॉइंट को कैसे इलैबोरेट कर सकते हैं।